हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, वैसे आप थंबनेल से देख लिए होंगे, तो आज मैं बताऊंगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कहां पे ज़्यादा गलती होता है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, दोस्तों आप केवल मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा केवल आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कभी भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का मतलब एपी का मैं अगर मान के चलिए कि अगर बहुत सारा संख्या दिया रहता है, आप एक ही बार में कैसे जोड़ोगे। जैसे देखिए, ढेर सारा संख्या दिया रहता है, एक से लेके 1000 तक, एक से लेके 1 लाख तक, या एक से लेके 5000 तक अगर संख्या रहता है, आप तुरंत कैसे जोड़ोगे। तो उसका वीडियो लेक्चर में एक और बताया था दोस्तों, अगर उस वीडियो लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उसका दे दिया हूं, आप उसे जाके देख सकते हो। तो आज मैं आपको सम एंड विषम के बारे में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कहां पे ज्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहां पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 50, मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ केवल क्या है, प्राकृत संख्या है दोस्तों। तो जब केवल प्राकृत संख्या, जैसे कहता है कि प्रथम देखिए सम प्राकृत संख्या का योग निकाले, प्रथम 50 सम प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए कहता है आपको, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो प्रथम 10 विषम संख्या का योग निकालने के लिए। तो अगर आपको कहेगा दोस्तों कि प्रथम 50 प्राकृत सम संख्या का योग निकालने के लिए और विषम संख्या का योग निकालने के लिए, तो आप तुरंत निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकाल लीजिएगा दोस्तों, फॉर्मूला से। जैसे हमको कितना 50 गो सम संख्या का योग कहता है निकालने के लिए, तो इसको जो बनाइएगा तो एन बराबर आप सीधा क्या लीजिएगा, 50 लीजिएगा, एन बराबर क्या 50, और प्रथम सम प्रथम मतलब प्रथम सम प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है आपको, तो एन इंटू एन प्लस वन होता है, एन इंटू कितना एन प्लस वन। अगर इस पे आप बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना 50 है गुने कितना 51। अगर इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 2550 हो जाएगा। देखिए तुरंत क्या निकल गया दोस्तों, तुरंत इसका जो है सो आंसर निकल गया फ्रेंड्स। अगर कभी भी अगर आपको बोला जाए कि 2 से लेके मतलब आप जितना तक आपको, जैसे इसमें 50 सम संख्या का योग कहता था निकालने के लिए, तो हम जितना का सम संख्या का योग कहता रहता है निकालने के लिए उतना ले लेते हैं, और सीधा जो है सो उसका फॉर्मूला का उपयोग हम कर लेते हैं, एन इंटू एन प्लस वन, और बैठा के हमारा आंसर क्या हो जाता है, निकल जाता है। अगर हमको 100 सम संख्या का योग अगर हमको कहता निकालने के लिए, तो n इक्वल टू हम 100 ले लेते, इस प्रकार बैठा देते, मेरा आंसर क्या हो जाता, निकल जाता दोस्तों। अगर दूसरा बात किया जाए फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें कहां पे गलती होता है, मैं बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप इस पे जो है जो थोड़ा फोकस कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से लेके आपको 10 मतलब 10 विषम संख्या, 10 विषम संख्या का योग आपको निकालना है, तो कितना विषम संख्या 10, तो सीधा आप n बराबर क्या लीजिएगा 10 लीजिएगा, और प्रथम मतलब प्रथम विषम संख्या का योग क्या 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 फॉर्मूला होता है, तो एन स्क्वायर होता है, प्रथम विषम संख्या का योग इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर, तो एन कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 100, मतलब 10 वो विषम संख्या को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, तो आप देखिए। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए दोस्तों कि क्या होता है, अगर आपको बोला जाए कि 50 मतलब 50 सम संख्या को जोड़ने के लिए, तो आप तुरंत जोड़ लीजिएगा, जितना अगर आपको कहेगा n इक्वल टू उतना ले लीजिएगा, और सूत्र याद रखिएगा क्या, n इंटू एन प्लस वन, इस पे आप याद करके तुरंत क्या कर लेते हो, बना लेते हो। अगर मान के चलिए अगर आपको कहेगा 20 विषम संख्या का योग निकालने के लिए, तो जोड़ने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो हमको बोल रहा है 20 विषम संख्या का योग निकालने के लिए, तो एन इक्वल टू हम कितना ले लेंगे 20 लेंगे, और प्रथम विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, तो 20 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे, नहीं तो इतना आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाता है ज्यादातर, तो उस बात को देखिए दोस्तों। यहाँ पे कंफ्यूजन होने का रीजन एक ही है दोस्तों, कि मान के चलिए मैं अगर आपसे पूछूंगा कि 1 से 100 तक सम संख्या का योग निकालने के लिए, मतलब आपसे 1 से 100 के बीच में
एक से 100 के बीच में कितना सम संख्या है उसका योग निकालने के लिए। तो यहां पे अगर मान के चलिए कभी कभी कोई स्टूडेंट क्या कर लेता है तो सीधा n इक्वल टू 100 ले लेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक से 100 के बीच जितना सम संख्या है उसका योग निकालने के लिए। तो आप याद रखिए कि जैसे एक से लेके 100 है तो उसके बीच में कितना सम संख्या होगा, 50 सम संख्या होगा। कितना सम संख्या होगा दोस्तों, 50, आधा आधा हो जाएगा। तो n इक्वल टू हम कितना लेंगे, 50 लेंगे और सूत्र का प्रयोग करेंगे क्या, n इंटू एन प्लस वन। तो देखिए हम निकाले 2500 कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स अगर आपको बोला जाए कि एक से लेके 100 के बीच में जितना भी सम संख्या है देखिए तो उसका जो है सो योग निकालने के लिए, तो कितना विषम संख्या हो जाएगा आपको, 50 विषम संख्या हो जाएगा। तो n बराबर हम कितना ले लेंगे, 50 लेंगे, और क्या फॉर्मूला होता है विषम संख्या के लिए, n स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपको, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यहीं पर स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूज करता है दोस्तों क्या, तो आप याद रखिए कभी भी आपको अगर बीच का बात कहे, जैसे अगर बोल दे कि 1 से 500 के बीच का सभी विषम संख्या का योग निकालने के लिए, तो 500 का आधा 250, n इक्वल टू 250 आपको लेना है और n स्क्वायर लगा देना है, तो विषम संख्या का योग आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 500 के बीच में जितना भी सम संख्या उसका योग निकालने के लिए, तो आप n इक्वल टू 250 ही लीजिएगा। इसके बाद फॉर्मूला n इंटू n प्लस वन याद रखिएगा, आपका क्या हो जाएगा तुरंत जो है सो आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा दोस्तों। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे जो है सो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और आपको चाहे कितना भी विषम संख्या का योग कहे निकालने के लिए या सम संख्या का योग कहे निकालने के लिए, तो आपको कभी भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको पढ़ाई संबंधी रोज़ अच्छा अच्छा वीडियो प्राप्त होता रहेगा दोस्तों। और फिक्स है कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको सही से समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।